नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह 9:42 पर पूरा कर इतिहास रच दिया गया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगी है। सौ करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। ये यहां करीब 20 मिनट रहे। इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर से भी बात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका उनके घर पर करीब 50 मिनट तक रुकी। प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही परिवार की 2 बेटियों की शादी का खर्च उठाने का भी भरोसा दिलाया है। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाल ही में लोकेश शर्मा को ईमेल से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 7 महीने से केस दर्ज होने के बाद में गहलोत के ओएसडी पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार है। जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को मरुद्रा में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू और सीकर जिले के कुछ स्थानों पर 23 अक्टूबर को मेघ गर्जन के साथ में बारिश होने की प्रबल संभावना है। चूरू के सरदार शहर के वार्ड नंबर 48 के अंदर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में बुधवार को वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बालचंद लावा, हरिप्रसाद लोहरा, विनोद गुजराती आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चित्तौड़ के राजमी के अंदर यहाँ कस्बे के बनास नदी तट स्थित रोशनेश्वर महादेव मेला प्रांगण में बुधवार रात्रि स्वयं को भगवान समझने वाले अहंकारी हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया गया। कस्बे में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें शरद पूर्णिमा की रात्रि हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया जाता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना में इस वर्ष यहाँ मेले का आयोजन नहीं किया गया। परंपरा को जीवित रखने के लिहाज से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बुधवार रात्रि हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया गया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्रीय विधायक से अनिस्तारण पट्टों पर रोक हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। जीव जतन जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा शिव द्वारा के शिलान्यास कार्यक्रम में जन जागृति मंच के अध्यक्ष तुलाराम मारू ने क्षेत्र विधायक गिरधारी लाल मैया से मुलाकात कर एक ज्ञापन श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में पट्टेधारी लोगों के संदर्भ में दिया। शिवपुरा कस्सी के अंदर अब एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। सुहाग का सबसे बड़ा पर्व सुहाग पर्व अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। शनिवार 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है। इस दिन सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा व दीर्घायु के लिए निर्जला व बिना कुछ खाए पिए 16 श्रृंगार कर व्रत रखेंगी।
कोरोना के चलते त्योहार फीका था। अब की बार बाजार में खूब रौनक रहेगी। ब्यूटी पार्लर आदि में सीजन के अंदर सजने संवरने के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। मेहंदी लगाने वाले कारीगर भी अब तैयार हैं। जनपद कासगंज के तहसील पटियाली में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारी ने मौसम से हुई बारिश से किसानों की फसलें होने के नुकसान के चलते पटियाली उप जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजा सरकार दे और किसान विरोधी कृषि कानून भी वापस लिए जाए। भारतीय किसान यूनियन स्वराज हर किसान की आवाज उठाने का कार्य इसी तरीके से करती रहेगी। बिजनौर में करीब रिक्शा चालक को बेवजह पीट गंभीर घायल करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस थाने में आरोपी उल्टा पुलिस की मौजूदगी में ही रिक्शा चालकों को ही धमकी देकर थाने से चला गया, जिससे गुस्साए रिक्शा चालकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। बिजनौर के नेट और मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने मजदूरी करने घर से निकले दो मजदूरों को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा करते हुए मुआवजे की मांग की है। झाड़ू के नेटौर तक सड़क जाम होने से बिजनौर प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिजनौर के नगीना में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बिजनौर स्वाट टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने निर्माणाधीन मकान से लाखों रुपए का सामान चुराया था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद भी शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के अंदर जनपद में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सांसद विधायक सभी एक साथ एकजुट हो गए हैं। 25 अक्टूबर को माधव बाबू मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर में आवागमन होना है। कुशीनगर में बुधवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लौटने के बाद विधानसभा पडरौना सदर विधायक व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सरपहती खुर्द निवासी शहीद दीपेंद्र दुबे के घर शाम 6:30 बजे पहुंचे। शहीद दीपेंद्र दुबे के घर पहुंचकर उन्होंने चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित की और उनके पिता वृषभान दुबे से कुशलक्षेम पूछा और परिवार से मिलकर परिजनों से कुशलक्षेम पूछा व हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। कुशीनगर में प्रधानमंत्री ने कुशीनगर को बड़ी सौगात दी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जहां पर राज्यपाल मुख्यमंत्री कई केंद्र व राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण